नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका अमर छत्तीसगढ़ के इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। मैतारी वंदन योजना की तीसरी किश्त जारी हो चुकी है। महिलाओं के खाते में 1,000 रुपए ट्रांसफर किए गए हैं। महीने की पहली तारीख को ये किश्त आती है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने छत्तीसगढ़ के कोरबा में कांग्रेस पर जमकर निशाना साधा। अमित शाह ने कहा, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के भूपेश कका की सरकार नक्सलवाद को बढ़ावा देती रही, लेकिन हमारे साय की सरकार बनने के बाद 4 महीने में ही 95 नक्सलियों को ढेर कर दिया गया। उन्होंने कहा कि आप मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बना दीजिए, 2 साल में ही नक्सलवाद को जड़ से उखाड़ के फेंक देंगे। अमित शाह ने कांग्रेस पर राम मंदिर को अटकाने का आरोप भी लगाया। भूपेश कक्का की सरकार थी, नक्सलवाद को बढ़ावा देते रहे। विजय बैठा है यहां, हमारे विष्णु देव जी की सरकार बनी, हमारे उप मुख्यमंत्री गृह मंत्री विजय जी बैठे, 4 ही महीने में 95 लोगों को ढेर करने का काम कर। 350 लोग अरेस्ट हुए, कई सरेंडर हुए। मोदी जी ने झारखंड, बिहार, ओडिशा, तेलंगाना, आंध्र, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उससे नक्सलवाद को 5 साल में समाप्त किया है। छत्तीसगढ़ छूट गया था क्योंकि यहां भूपेश कक्का की सरकार थी, मगर मैं कहकर जाता हूं, मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाओ, 2 साल में नक्सलवाद को मूल समेत उखाड़ कर हम फेंकें। अमित शाह ने आरोप लगाया कि आरक्षण को लेकर कांग्रेस जनता को गुमराह कर रही है। अमित शाह ने कहा, मोदी जी ने ना आरक्षण हटाया ना ही हटाएंगे। मोदी जी ने अगर हटाया तो धारा 370 को हटाया, नक्सलवाद को हटाया। मोदी जी को बहुमत मिलेगा तो मोदी जी आरक्षण हटा दें। मेरा फेक वीडियो बनाकर सर्कुलेट कर, मैं आपको बताना चाहता हूं, कोरबा वालों, 10 साल से आपके आशीर्वाद से मोदी जी के पास बहुमत है। मोदी जी ने आरक्षण ना हटाया ना हटाए, बहुमत का उपयोग क्या किया, 370 हटाने के लिए किया, राम जन्मभूमि का मंदिर बनाने के लिए, सीए लाने के लिए, ट्रिपल तलाक हटाने के लिए किया, और अब यहां सरकार दी, बहुमत का सरकार का उपयोग नक्सलवाद को समाप्त करने के लिए हम कर रहे हैं। रायपुर में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा ने बीजेपी पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी संविधान बदलना चाहती है। उन्होंने कहा कि मनमोहन वैद्य के साथ और नेताओं का बयान आरक्षण विरोधी है, बीजेपी आरक्षण के खिलाफ है। तो वहीं उन्होंने दावा किया कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 9 से 10 सीट जीतेगी। कांग्रेस के मीडिया में पब्लिसिटी हेड पवन खेड़ा हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। सर, तीसरे चरण की अगर हम बात करें तो खासतौर पे आरक्षण को लेकर जो है वो मुद्दा गहराया हुआ है। बीजेपी कह रही है कि कांग्रेस जो है आरक्षण को लेकर झूठ बोल रही है, उन्होंने नुकसान पहुंचाया है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी आरक्षण खत्म करना चाहती है, संविधान बदलना चाहती है। संविधान बदलने की बात कहाँ से शुरू हुई? अनंत हेगड़े से शुरू हुई, ज्योति मिर्धा ने बोला, अरुण गोविल ने बोला और इनके यूपी के 2-3 प्रत्याशियों ने बोला। उससे पहले 2015 में आरएसएस के वरिष्ठ नेता मनमोहन वैद्य बोल चुके हैं कि हम आरक्षण के खिलाफ हैं। तो ये बात तो इन्हीं के यहाँ से निकल कर आती है। हम तो सिर्फ इनसे सवाल पूछते हैं कि साहब, अभी 400 जब आप मांगते हो सीटें, तो 400 का मतलब क्या हुआ? 272 पे ही सरकार बन जाती है, फिर आप 400 बोल रहे हो, तो मतलब आपकी मंशा, आपके लोग जो बोल रहे हैं वही है कि हम संविधान बदलना चाहते हैं। कैमरा पर्सन नवीन के साथ ममता लांजेवाल, न्यूज़ 18। रायपुर से बड़ी खबर का जिक्र, महादेव सट्टा केस का यह मामला है। 2 आरोपियों को जेल से कोर्ट लाया गया। भीम सिंह यादव, अमित अग्रवाल को कोर्ट लाया गया। ईओडब्ल्यू के प्रोडक्शन वारंट पर कोर्ट लाया गया। ईओडब्ल्यू ने 14 दिन की रिमांड के लिए आवेदन लगाया।
ज्यादा जानकारी के लिए युगल हमारे साथ जुड़ गए हैं। युगल, मामले में ज्यादा जानकारी। देखिए, अभी लगातार जेल में ये जो दोनों आरोपी हैं बंद है, महादेव सप्ताह ऐप को लेकर के, और जो ईओडब्ल्यू है वो प्रोडक्शन वारंट की मांग कर रही है। इसका मतलब साफ है कि एसीबी ईओडब्ल्यू की टीम जिस तरह से नए जो ईसीआईआर ईडी के पास जो दर्ज की है तो उसमें इन आरोपियों से आगे पूछताछ भी करनी है, और किस तरह से महादेव सट्टा ऐप को लेकर के लिंक था, किस तरह से पैसे कहां कहां जाते थे, चाहे वो अधिकारी हो, ब्यूरोक्रेट हो या राजनेता, तो पैसा किन किन के माध्यम से कहां कहां पहुंचाया जाता था, तमाम अभी जो विवेचना का विषय हुआ है। तो इसी को लेकर के जो ईओडब्ल्यू ने दोनों आरोपियों को 14 दिन की रिमांड लेने के लिए आवेदन लगाना है, और कुछ देर बाद ही फैसला आएगा कि आवेदन को कोर्ट ने स्वीकार किया है, कब पेश करना है, और कुछ देर बाद ही पता चलेगा। तो इससे साफ है कि महादेव सट्टा ऐप को लेकर के, बेटिंग ऐप को लेकर के जो एसीबी ईओडब्ल्यू और दिनों के दिन जो जांच की कार्यवाही है वो तेज करती हुई जारी है। जी ठीक, बहुत बहुत शुक्रिया फिलहाल जानकारी को साझा करने के लिए।